अस्सलाम वालेकुम। कैब सेवन कंपनी ला लेक्चर 65। आज के लेक्चर में हम अपने असेसमेंट टेस्ट वन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट वन टू थ्री की डिस्कशन की है, अब टेस्ट नंबर फोर आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ भी कम है। गैबिन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मेरा आने का यहाँ पे मकसद आप लोगों के साथ टेस्ट डिस्कस करना नहीं है, टीचर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट हमने चेक किया है, आपके टेस्ट में कोई इशू होता है आप हमारे पास आते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मेरा ये मसला है, मैंने इतना लिखा था, आपने मेरे इतने मार्क्स काटे हैं, तो यहाँ से आपने मार्क्स डिडक्ट किए हैं, यहाँ पर आपने 0.5 दिया, ये किस वजह से है। तो जब आप वो बेसिस पूछते हैं तो इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का हमारे पास आना, उनको वही एडवाइस देना, भाई आपने ऐसे लिखना है, इस तरह लिखना है सर, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे खड़े होके सबको बताऊँ और एक ही दफ़ा बताऊँ कि हमने इतना लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, हमने ये चीज़ नहीं लिखनी, ये आपने लिखी हुई कि आपके रिलेवेंट है, ठीक है लेकिन रिलेवेंट है, मेरा आने का मकसद ये है। बाकी अगर आप एक एक इंडिविजुअली आओगे तो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन अब यहाँ पर आप विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन, फीलिंग फ्री कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर मैंने ऐसे लिखा था, मुझे यहाँ पे इतने मार्क्स मिले हैं, मुझे इतने मिलने चाहिए थे, उसको इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। पेपर में बैठ के फिर ये हमें याद नहीं आना, अच्छा TN है ना, यहाँ पे इतने मार्क्स दिए थे तो मैंने इतने लिखा था, और वो क्यों, इस क्यों के जवाब के लिए मैं इधर आया हूँ। क्या आप मुझसे पूछें भाई आपने ऐसा क्यों किया, हम जो सवाल आपका टेस्ट चेक करते हैं वो अपनी जजमेंट पर नहीं, वो आई कैप की जजमेंट, और टीचर जैसे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके मुताबिक हम टेस्ट चेक करते हैं। जो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर होता है वो उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रिपेयर होता है, उसके बाद जो हमने चेक किया आपको जो सोल्यूशन आपको मिला, आपने अपना टेस्ट उसके साथ कंपेयर किया, उसमें जो जो आपको लगा कि ये मैंने सही लिखा है, ये इसमें ऐसी मार्किंग हुई है, तो वो आप डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस से बेहतर है कि क्लास में वो चीज़ डिस्कस की जाए। अब ऑनलाइन वाले तो नहीं आ सकते, वो तो ग्रुप में फिर पूछेंगे, इंडिविजुअली एक एक को मैसेज करना ये भी मुश्किल हो जाता है। तो जो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज यही है कि यहाँ पे अगर जो टेस्ट डिस्कशन जो हो रही है वो लाजमी, अगर मैं कहूँ तो लाजमी सुन लीजिएगा, लाजमी। हमें लगता है कि सिर्फ टेस्ट की डिस्कशन है, यार आज तो सर नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे तो चलो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कैफ सेवन इस स्टेज पे आके, इसके बाद आपका सिर्फ आखिरी एक पेपर रहता है कैफ एट, और मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो कैफ सेवन और कैफ एट इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं। इस स्टेज पे आके आप बुक से भी सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब हम आई कैप का पेपर देखते हैं, आई कैप का पेपर सॉल्व करने जाते हैं, वहां पर पता नहीं हमें क्या हो जाता है सर, वहाँ पे हम इतनी प्रोविजन होती है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है, और MCQs एक नंबर का होता है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, उस चीज़ को कैसे देखा जाए, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, इसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ग्राउंड में जाने से पहले बॉलर प्रैक्टिस करता है, इसकी मेन वजह लाइन एंड लेंथ ठीक होनी चाहिए, तो वो हमारी लाइन और लेंथ अगर ठीक होगी कि हमने कहाँ से लिखना है, कितना लिखना है, तो फिर हम आगे पेपर में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, तो फिर जाके हमने लिखना वही है जो उस वक्त माइंड में आ रहा है, वो करके आए वापस आ गए, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं, दोस्तों से कहते हैं यार दुआ करें, तो फिर दुआओं की दरख्वास्त से बेहतर है कि हम थोड़ी सी मशक्कत भी उठाएं। टेस्ट सेवन के डिस्कशन की तरफ चलते हैं, टेस्ट सेवन है, सॉरी ये असेसमेंट वन, हार्ड कॉपी में नहीं है तो फिर इधर से देख लीजिएगा, ठीक है जैसे मेरी लाख। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनी, 9 सवाल थे हमारे इस टेस्ट में, 9 के 9 हमने अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैक पेन यूज़ करना है सिर्फ। चैलेंज डिस्कशन की तरफ, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन 31st December 2020 अली वाज अपॉइंटेड इज अ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ PL, अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, यार इसको अंडरलाइन करते हैं। अमीन भाई नजर आ रहे हैं, ठीक है, हाँ इसको फिर नीचे करते हैं, जरा हम इसको अंडरलाइन करें, ये आदत बनानी है ना अंडरलाइन वाली, लिस्टेड कंपनी, जी कंपनी को भी अंडरलाइन करना है, डेट को भी अंडरलाइन करना है, अपॉइंटेड इज चीफ एग्जेक्टिव, जी डेट को भी हमने अंडरलाइन किया, उसको करते हैं, अभी हम आगे जाके इसको करते हैं।
On March 2021, he informed the board that on February 15, 2021, मार्च में वो उसे कह रहा है, बोर्ड को इन्फॉर्म कर रहा है दैट 15 फरवरी 2021 हिज स्पाउस वाज अपॉइंटेड इज अ डायरेक्टर इन अ ब्रोकरेज हाउस. इसने कब इन्फॉर्म किया? 15 फरवरी 2021. और इन्फॉर्म क्या किया है? स्पाउस वाज, स्पाउस को भी मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है, वाज अपॉइंटेड इज अ डायरेक्टर इन अ ब्रोकरेज हाउस. ये चीजें सवाल में अंडरलाइन करने वाली थी. होप सो कि आप लोगों ने भी इसको अंडरलाइन ही किया होगा, क्योंकि ये मेन चीजें हैं हमारे इस सवाल में. रिक्वायरमेंट उसकी किया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अली स्पाउस नंबर वन ऑन हिज पोजीशन एंड ऑन ओएल नंबर टू. ये दो रिक्वायरमेंट है. वो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ अली स्पाउस बताओ उसकी पोजीशन और एंड ऑन एपीएल, और एपीएल के जो पोजीशन है वो इसका इंपैक्ट बताओ. इंपैक्ट इसका बताना इसके अपॉइंटमेंट का, और एपीएल पे क्या इसका इंपैक्ट आएगा तो वो भी बताना है. ये चीजें हमने अंडरलाइन की है. इसका मकसद क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ अली, अपॉइंटमेंट ऑफ अली जो है इसको हम लिंक करेंगे. अली जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है. और अपॉइंटमेंट के बाद जब हमें ये पता चला, ही इन्फॉर्म दैट कि हिज स्पाउस वाज अ डायरेक्टर इन द ब्रोकरेज हाउस, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले में ऑफ लिस्टेड कंपनी. ये वो लिस्टेड कंपनी, इसको इसलिए हमने अंडरलाइन किया था कि लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर जो है वो या स्पाउस ऑफ डायरेक्टर इज एंगेज्ड इन अ ब्रोकरेज हाउस देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. लेकिन यहाँ पे तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव का कह रहा है कि अली इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव. एग्जैक्टली, हमने ये पढ़ा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज अ डीम डायरेक्टर, इज अ डीम डायरेक्टर. यानी अगर वो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकता. ही इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव. तो ये इसका मकसद था कि ब्रोकरेज हाउस में वो भी डायरेक्टर है, स्पाउस जो है वो डायरेक्टर है, और ये कंपनी भी लिस्टेड कंपनी है. जिस केस में ये देखें, वो घुमा रहा है, वो इस केस को ऊपर से लेके आ रहा है, पहले डायरेक्टर और उसने फिर लिस्टेड कंपनी की जो दो पॉइंट थे उसको भी टच किया है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव को भी इसने छेड़ा है, और चीफ एग्जीक्यूटिव को दोबारा जो है वो उसके साथ डायरेक्टर के साथ लिंक किया है. इम्पैक्ट ऑन पीएल, ये कोई बता सकता है कि इसका केस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, इसके पॉइंट में. इनवैलिड है, ठीक है, सही है. एग्जैक्टली, वो कह रहा है कि पीएल, ये तो ये इसको हमने बता दिया ना, ये जो दूसरी थी हाँ जी अपॉइंटमेंट वाली बात वो तो हो गई. अब वो कह रहा है कि ये लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कैसी कंपनी के केस में वो डिस्क्वालीफाई है. लेकिन कब से है वो अपॉइंट? तो इस डेट को हुआ है, इन्फॉर्म इस डेट को कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर से 15 फेब तक ये जो है ये वैलिड है. इन्फॉर्म मार्च में किया ना, लेकिन किस डेट से वो डिस्क्वालीफाई है? 15 फरवरी से. तो 15 तक जितने भी ट्रांजैक्शन थी उसके लिए तो वैलिड है ना वो, तो वो तो वैलिड है. उसके बाद वाले जितने भी हैं वो इनवैलिड है. कंपनी को मार्च में पता चला है, लेकिन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किस डेट से हुई है? ये पास्ट एक जितने भी हैं, जिस रिट्रोस्पेक्टिव जाना है, जितना पास्ट डेट हम जा सकते हैं, जिस डेट से वो उसकी उसमें इंटरेस्टेड है, या डायरेक्टर वो हुआ है, जो भी हुआ है, कोई भी ऐसा इवेंट्स या कंडीशन अराइज हो रहे हैं उस डेट पे, तो उस डेट से हमें आगे इसको लेके चलना है. यानी वो जिस डेट, जिस दिन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ, टिल द डेट जहां पे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो रही है, उस डेट तक वो वैलिड है, उसके बाद वो वॉइड है, ठीक है, उसके बाद डिस्क्वालिफाइड है. अच्छा, डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, और ये है भी लिस्टेड कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव डीम डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन पे कैजुअल वैकेंसी राइज नहीं होती. कैजुअल वैकेंसी राइज होती है. उसने ये सवाल 4 नंबर के लिए पूछा है, 4 नंबर के लिए उसने पूछा है.
इसमें चार ही लाइनें लिखनी थी, लेकिन ये सवाल था बड़ा कंफ्यूजिंग। स्टूडेंट ने इसको समझा कि अच्छा अपॉइंटमेंट के बाद बता देते हैं, इम्पैक्ट ऑन फील बता देंगे, बस ख़त्म कहानी। लेकिन इसकी ये वैलिडिटी भी बतानी थी, और इसके साथ जब ये डिस्क्वालीफाइड हुआ है, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है, तो क्या रिमेनिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं करना था विद इन 14 डेज? करना था ना, तो ये भी लिखना चाहिए था। खा गए मारनी, ये आपका इनकम्प्लीट सॉल्यूशन था। आपने ये नहीं देखा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है, रिमेनिंग डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी को भी विद इन 14 डेज फिल करना है। तो ये पॉइंट जी, इधर से वो पॉइंट बताएं, कौन सा पॉइंट निकल सकता है? नहीं, और कोई मैक्सिमम पॉइंट यही निकल सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट इस सिनेरियो से यही निकल सकते हैं बस, क्योंकि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हमने बता दी, चीफ एग्जीक्यूटिव की डिस्क्वालिफिकेशन हमने बता दी, उसके बाद वैलिडिटी हमने बता दी, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हमने बता दी, क्योंकि केस वाली कैंसिल वाला केस भी बता दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इससे कोई पॉइंट अराइज हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसकी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि इसने कोई शेयर वाले बात नहीं की। अगर कोई शेयर या डायरेक्टर के पास कोई शेयर है, सैलरी डिस्पोज की बात करता, फिर एक्सेप्शन की तरफ जाते हैं। अपॉइंटमेंट में जो एक्सेप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव की, मेंबर और नॉट अ मेंबर वाले, वो तो उस केस में है, वो भी इसमें फॉल नहीं कर रही। फिर थोड़ा सा हमने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया, ये आपकी गलती थी, जो कि अभी यहाँ पर नहीं बैठे हुए उनको नहीं पता कि हमने टेस्ट में क्या गलती की। उनको 2 नंबर मिले हैं, और 2 नंबर मैंने और मेरे भाई टीए ने बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है? और जो नहीं आए उन तक की बात पहुंचा दीजिएगा फिर। इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने जितने भी काम किया है ना, वो 31 दिसंबर से 15 फेब तक वैलिड है, ठीक है? क्योंकि वो तब तो ये ठीक था, तब तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो नहीं रही थी इसकी, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई। अब नहीं अंडरलाइन करना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया? मैंने ये एक्स्ट्रा मैंने बताया, ये सही समझ आ गया ना ये सवाल? देखिए वो लॉ में ना, वो मल्टीपल लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये सवाल था स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने अपॉइंटमेंट में से पूछा था, लेकिन दूसरे एरियाज भी हिट हो रहे थे, तो वो हमने वो भी कवर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पोर्ट मैन फाउंडेशन गारंटी लिमिटेड, मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूंगा, लेकिन ये गारंटी लिमिटेड है, आप कर लीजिएगा। इस रिजल्ट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम RS 50,000 टू RS 500,000 बाय अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? कुड अबव अल्टरेशन मेमोरेंडम बी मेड बाइंडिंग ऑन मेंबर्स? वो अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करना चाह रही है कंपनी मेंबर्स की फ्रॉम 50,000 to 500,000, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लास ऑफ मेमोरेंडम, खुद से उन्होंने सोचा कि यार 50,000 को 500,000 पे ले जाते हैं, तो क्या इस अल्टरेशन के लिए जो उन्होंने खुद से काम किया है, इसके ये मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग है? उन्होंने मेमोरेंडम को छेड़ा है, मेमोरेंडम को छेड़ना आसान थोड़ी है, उन्होंने प्रॉपर मेमोरेंडम को छेड़ा, इसमें अल्टरेशन की है। अल्टरेशन के बाद वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने अब जो काम किया इसका मतलब ये, इसको अप्रूवल मिली होगी अल्टरेशन की, तो क्या ये मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग है? अप्रूवल की उसने बात भी नहीं लिखी, लेकिन उसने क्या दिया? बाय अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसने मसला हल कर लिया हुआ। यानी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर जो मर्जी करें, खुद से कह दें कि रिजॉल्व्ड, मेंबर से उन्होंने पूछा नहीं है, पूछा होता तो फिर वो यहां पे लिखता। यही तो उसने पूछा कि क्या मेंबर्स के ऊपर ये बाइंडिंग है, क्यों नहीं बाइंडिंग? नो, इन राइटिंग वाली बात थी कि अगर वो लिखे, वो उसके ऊपर साइन कर दें कि भाई ठीक है जो आपने अल्ट्रेशन की हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा पैसा है हमारे पास, हाँ 3/4 मेजोरिटी इफेक्टेड क्लास वाली बात नहीं लिखनी थी यहाँ पर, ठीक है? वो शेयर को नहीं छेड़ रहा, वो उनके राइट्स को नहीं छेड़ रहा, वो सिर्फ लाइबिलिटी को छेड़ रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मेंबर एग्री करेंगे कि भाई मैंने 5 लाख देना है, तो फिर ही हो सकता है ना ये, बिफोर और आफ्टर, ठीक है?
बिफोर और आफ्टर अल्ट्रेशन, यानी उससे पहले उनसे पूछ लें या अल्ट्रेशन के बाद उससे कहें, रिक्वेस्ट करें कि अब हमने ये अल्ट्रेशन की, आप इसको अप्रूव कीजिएगा। अगर वो इसको अप्रूव करते हैं तो फिर वो उसको बाइंडिंग है उनके ऊपर, अदरवाइज नहीं है। समझ लगी कोई कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन। डेफिनेशन पूछी है उसने। स्पेशल रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन इन विच क्या? स्पेशल बिजनेसेस डिस्कस्ड, बस इतने लिखना था 3 नंबर के लिए। विच इज नॉट, यार ऐसे हम करें बता दें। 3-4 मेजॉरिटी ऑफ व्हाट? प्रेजेंट मेंबर्स नहीं, स्पीकर जनरल मीटिंग वाले नहीं। हाँ जी, वो पर्सनली भी इसको प्रेजेंट पर्सनली या थ्रू प्रॉक्सी या थ्रू पोस्टल भी कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना था। नोटिस, हाँ जी, नोटिस शुड बी गिवन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। शॉर्ट नोटिस वाली बात, 21 डेज से कम। इफ ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट आर एग्री सो, ये इसका डेफिनेशन है। अक्सर वो पूछता है स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जे ए शुगर्स मिल लिमिटेड इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यार इसको तो आप तो करें ना अंडरलाइन में, हैज 7 डायरेक्टर्स हु आर ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। 7 डायरेक्टर भी हैं जो कि सारे के सारे मेंबर भी हैं। वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर नूरुद्दीन प्लान टू सेल हिज शेयर्स इन द कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट। ही विल सीज टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ही सेल ऑल हिज शेयर्स। वो कह रहे हैं कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसके 7 डायरेक्टर हैं जो कि सारे के सारे मेंबर भी हैं। अब एक मेंबर, एक डायरेक्टर्स, क्या डायरेक्टर बनने के लिए शेयर जरूरी है? ओके, तो वो डायरेक्टर या वो मेंबर जो है, वो मिस्टर नूरुद्दीन प्लान्स टू सेल हिज शेयर इन द कंपनी, वो बेचना चाह रहे हैं। अब जिस दिन उसने अपने शेयर्स बेच दिए, वो कह रहा है ही विल सीज टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस दिन से वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा फिर। कौन सी एक्सेप्शन है? तो सेल हिज शेयर, हाँ उसने बेच दिए, उसके लिए क्या मेंबर होना लाजमी है? उसने शेयर भेजे ना, बेचे हैं, तो क्या जो मेंबर जो अपने शेयर बेच सकता है, मेंबर शेयर बेच सकता है, उसने अपने शेयर बेच दिए, वो मेंबर नहीं रहा, क्या वो डायरेक्टर भी नहीं रहा? क्या वो डायरेक्टर भी नहीं रहा? वो मेंबर तो नहीं है वो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने ये क्या पढ़ा हुआ है? ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी विद फॉलोइंग एक्सेप्शंस। हाँ जी, चीफ एग्जीक्यूटिव और नॉमिनेटेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट क्रेडिटेड जी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर उनका किस इंटरेस्ट है कोई। ठीक है, ए क्लियर? ओके। बी, द कंपनी में अपॉइंट अनदर पर्सन इन हिज प्लेस फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए नहीं, हाँ जी, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ नूरुद्दीन, यानी 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए वो ऑफिस को नहीं संभाल सकते, वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए वो उसको संभाल सकता है, उसके प्लेस पे आ सकता है। द कंपनी मे कंटिन्यू टू रन द बिजनेस विद 6 डायरेक्टर टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3, तो क्या ये कंपनी 6 डायरेक्टर के साथ चल सकती है? चला सकते हैं ना वो कंपनी, हाँ तो ठीक है फिर चलाएं 6 डायरेक्टर के साथ। लिस्टेड के लिए लाजमी है, अनलिस्टेड के लिए लाजमी, अगर मिनिमम नंबर से कम हो जाए, बस यही बात इंग्लिश में हमें लिखनी है, बाकी बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने किया थी कि लिस्टेड के केस में रिक्वायर्ड है और अनलिस्टेड केस में, अगर तो मिनिमम नंबर से कम है
तो फिर उस उनके लिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, वो चाहें तो करें, इसको फिल करें। ठीक है, ओके। ये सवाल, एनी कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी नो है, नहीं उठा गए। एनसीएल इज अ लिस्टेड कंपनी, द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी विद द बैंक, द बैंक रिक्वायर्स अ कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ द टर्म्स ऑफ द फाइनेंसिंग, सिंस 5 out of 7 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर करंटली आउट ऑफ द कंट्री। भाई वो इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, फाइनेंसिंग फैसिलिटी विद द बैंक, लेकिन उनके डायरेक्टर जो है वो दुबई बैठे हुए हैं। इज इट पॉसिबल फॉर द सेक्रेटरी टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? वो ये देखिए, प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द फाइनेंसिंग फैसिलिटी विद द बैंक, से उन्होंने कोई लोन लेना होगा, ठीक है। अब वो बैंक से लोन ले लें, उनको बोर्ड रेजोल्यूशन की, बैंक वालों को बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उनके 7 में से 5 डायरेक्टर जो हैं वो तो बाहर के मुल्क हैं, वो तो पाकिस्तान में नहीं मौजूद। तो अब वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी के पास, इनके पास कोई ऑप्शन है, इनके पास रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, वीडियो लिंक? किस केस में वीडियो लिंक? हाँ जी, वो मेंबर के केस में है, डायरेक्टर के केस में रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन है। मुझे लगता है पड़ा था शायद इस तरह से डायरेक्टर वाली बात है ना, हालांकि मेरे दिमाग में ये था लेकिन वो कहीं खास शायद था के डायरेक्टर्स भी वीडियो लिंक फैसिलिटी, एग्जैक्टली वो, मतलब आपस में अगर करनी है मीटिंग तो वो वीडियो के जरिए आपस में कर सकते हैं। वो थ्रू पोस्टल, थ्रू प्रॉक्सी भी अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को, वो मीटिंग को थ्रू प्रॉक्सी भी अटेंड कर सकते हैं, यानी खुद बाहर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं, तो भाई कह रहे हैं कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो अगर खुद नहीं आ सकते तो कोई किसी दूसरे को भेज दें। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो उनका रिजोल्यूशन, जो भी फैसला है, वो थ्रू पोस्टल भी भेज सकते हैं, वो लिखे भी भेज सकते हैं, या अपने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करके भेज दें, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं अगर पर्सनली वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो 7 डायरेक्टर में से 5 जो है वो मुल्क से बाहर हैं। अब वो कह रहा है कि कोई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन है, उनके पास कोई दूसरा तरीका है कि वो इस मीटिंग को कंडक्ट करें और बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी बैंक को दे दें ताकि फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप्रूव हो। नहीं, एक जो है दुबई बैठा हुआ है, एक दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, कोई किसी मुल्क में बैठा हुआ है, तो फिर नहीं, जितने पैसे चाहिए उतना तो खर्चा हो जाएगा फिर, तो इससे बेहतर है कि हम रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की तरफ चलें। इसके प्रोसीजर क्या है फिर, क्या प्रोसीजर है? सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स, डायरेक्टर्स की बात हो रही है, शेल बी साइंड बाई एवरी डायरेक्टर, वन साइन शेल नॉट बी रिवोक्ड, और आखिरी पॉइंट मिनट्स, मिनट्स जो है इफेक्टिव है, जैसे ठीक है, इफेक्टिव इज लाइक इन ओरिजिनल मीटिंग, इज लाइक इन डायरेक्टर, डायरेक्टर मीटिंग, ठीक है। मिनट्स विल बी डिस्कस्ड इन सबसिक्वेंट, मिनट्स ऑफ सबसिक्वेंट मीटिंग, ठीक है, ओके जी। 4 पॉइंट्स बनते हैं, ये कंसेप्ट पूरा है ना, क्वेश्चन नंबर 6। मिसेज राहील वाज अ मेंबर ऑफ नाइटमेयर गारंटी लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड कंपनी है, उसको छोड़ नाम में क्या रखा है? ऑन 30th September 2013 शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ऑन 31st July 2014 द कंपनी वेंट इन टू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस मिसेस राहील ऑफ हर राइट्स एंड लाइबिलिटीज इज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। गारंटी लिमिटेड कंपनी है, 31 सितंबर को उसने कहा कि मजीद मैं कंपनी को रन नहीं कर सकती, लिहाजा मुझे छुट्टी दे दें। क्वेश्चन 5 में कोई सवाल था? इसको करके दोबारा उस पर चले जाएं, ये पहले कर लें, ठीक। यार फिर आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं, हम तो नहीं ऐसे कर सकते घर वाले। कैसे 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 वो अनलिस्टेड के लिए, वो प्राइवेट के लिए? पब्लिक अनलिस्टेड के लिए और प्राइवेट के लिए सिर्फ सर्कुलेशन है,
ऐसे ना क्या करो यार। ये चैप्टर 3 किसने पढ़ना है? डिसोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन लिखा हुआ विदाउट कंडक्टिंग मीटिंग। मेंबर्स वाला पढ़ रहे हैं, वो पूछ डायरेक्टर के और आप मेंबर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 3 में डिस्कस हुआ है, ठीक हो गया। ये असाइनमेंट ना करने का नुकसान है। वैसे कल की असाइनमेंट थी ठीक है? असाइनमेंट क्यों नहीं करके आए? असाइनमेंट मुझे भी पता है नहीं करके आएंगे आप, लेकिन चलो हम अगले लेसन की तरफ चलते हैं। ये हो गया क्लियर? क्यों नहीं करके आते? अच्छा, मिसेज रहील 30 सितंबर 2013 को कंपनी छोड़ के जा रही है। ऑन 31 जुलाई 2014 द कंपनी वेंट इनटू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अप। उनके पीछे एक कंपनी भी डूब गई। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। एक ही बात है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइस मिसेस राहिल टू हर राइट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या राइट्स हैं इनके और क्या लाइबिलिटीज हैं? इज प्रोवाइडेड द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो राइट्स है, राइट्स भी है और लाइबिलिटीज भी है। पहले हम लाइबिलिटीज पढ़ लेते हैं, जाने वाले को तो पहले रिकवर तो कर लेना। एक साल वाली प्रोविजन कौन सी है मेरे भाई, बताएं? एक साल वाली प्रोविजन कौन सी है यार? एक तो एक लाइन तो इंग्लिश में, इतना तो हम इतने तो छोटे छोटे इंग्लिश तो हैं। मेंबर ऑफ द कंपनी एट टाइम ऑफ वार्निंग ऑफ द कंपनी। जी जी, नहीं नहीं, ये नहीं, मिसेज राहिल है, मिसेज राहिल। हाँ जी, एट द टाइम ऑफ वार्निंग अप ऑफ कंपनी। तो क्या एक साल उनको हो गया पूरा? 31 सितंबर 2013 से 31 जुलाई 2014 तक एक साल पूरा नहीं हुआ। तो जितनी भी लाइबिलिटी ड्यूरिंग दैट टू डेट्स है उसके लिए वो लाइबल है, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट गारंटेड बाय हर। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है ना? बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट गारंटेड बाय हर। अब राइट्स की है, लाइबिलिटी तो होगी, राइट्स की है, राइट्स, राइट, वुमेन आर ऑलवेज राइट। हमारे कुछ साथ थे, हम क्लास में आ रहे थे, वो कह रहे थे बॉयज मोस्ट टू द लेफ्ट बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। नहीं नहीं, उनकी राइट है अगर वो अपने अमाउंट गारंटेड से एक्सीडिंग अमाउंट वो पे करती है तो फिर वो दूसरों से रिकवर करवा सकती है, ये राइट है। नहीं नहीं, कम नहीं, कम नहीं रिकवर नहीं करवा सकते। अगर एक्सीडिंग अमाउंट उन्होंने कोई पे किया तो वो रिकवर करवा सकती है, ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज है। हाँ जी, ये चार नंबर के लिए सिर्फ इतना ही लिखना था। एक लीगल प्रोविजन हमारी आ गई कि अगर सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी जाए तो फिर एक साल के लिए वो लाइबल है। उसके बाद लाइबिलिटी बतानी थी कि इतनी लाइबिलिटी है, डेट्स का भी देना था, बताना था, और ये डेट्स मेंशन करने, नाम और डेट्स जो है वो लाजमी आपने मेंशन करनी है। उसमें हमने बता दिया कि ये विद इन अ वन ईयर दोनों डेट्स फॉल कर रही हैं तो लिहाजा वो लाइबल है अप टू दैट डेट, ये जो दो डेट है। और एक्सीडिंग अमाउंट का बता दिया कि एक्सीडिंग अमाउंट के लिए वो लाइबल नहीं है, उतने अमाउंट के लिए जितना उन्होंने गारंटी किया था, और अगर कोई एक्सीडिंग अमाउंट पे किया है तो उसमें उनके राइट्स हैं कि वो रिसीव दूसरों से रिकवर करवा सकते हैं। ये एक ही राइट है, इसके अलावा नहीं। सवाल नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। सिलेबस में राइट्स हैं। अगर आप कहें कि भाई इसने जो है वो कंपनी को, कंपनी के पास इनके कोई पैसे भी पड़े हुए थे, कैपिटल भी हैं, तो फिर वो भी तो रिकवर करवा सकती हैं। ऐसे तो केस जैसे मर्जी बनाए। क्वेश्चन नंबर 7, एमएल इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फिश फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन प्लान। वो कोई प्लानिंग कर रही है। एमएल बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इट्स पोल्ट्री एंड डेयरी बिजनेस फॉर विच द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज। Under the provision of Companies Act 2017, describe the procedure. Describe procedure for changing ML principal line of business. कौन से procedure है principal line of business को change करने? Special resolution pass करनी है, board resolution pass करनी है? Special resolution pass करनी है, ठीक है। उसमें क्या होगा? Resolution में क्या लिखा होगा? Principal line of business हमने, हाँ जी, उसका impact further आगे क्या लिखेंगे?
अगर नॉट इन लाइन विद द नेम क्लास है तो फिर नेम को भी हम चेंज करेंगे, और कोई लाइन हमने लिखनी है? ठीक है, विद इन 30 डेज है मेरा नहीं ख्याल। थर्टी डेज में क्या करेगी कंपनी? चेंज करेगी इसको, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी मेमोरेंडम, अल्टर्ड मेमोरेंडम जी। बस इतना ही लिखना है, ये 3 प्रोसीजर थे। क्लियर? ओके। BEL वॉज इन्फॉर्म्ड एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विद एन इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन ऑर्डनरी शेयर है ऑफ RS 10 ईच। OL फिर TL विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ OL जी सर। BEL वॉज इन्फॉर्म्ड एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विद एन इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन ऑर्डनरी शेयर ऑफ RS 10 ईच। OL TL विच इज वन ऑफ द सब्सिडरी OL and TL which is one of the subsidiary company of OL, यानी ये TL जो कंपनी है वो OL की सब्सिडरी है। एंड MPL has subscribed 125 million, 130, 245 respectively ordinary shares of BL। Incomplete information अभी तक तो, हाँ बाद में समझ आएगी, यानी जब आगे नीचे पढ़ेंगे। The board of directors of BL has decided to construct state-of-the-art 5-story shopping mall. ये construction company थी ना, तो 5-story shopping mall इन्होंने construct करने। ना polishing locality of Islamabad. BL management found a lucrative piece of land in the said locality, which is owned by Zakir, who is also a non-executive director of BL and OL. BEL में भी वो non-executive director है and OL में भी non-executive director है। BL एंड OL, ओके। बाद में हम जो लिंकिंग है वो बनाएंगे। आफ्टर नेगोसिएशन BEL एंड जाकिर प्रिंसिपल एग्रीड दैट ऑन कंप्लीशन ऑफ द शॉपिंग मॉल 5th floor ऑफ द शॉपिंग मॉल विल बी गिवन टू जाकिर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ ए सेड लैंड। कंसिडरेशन में उन्होंने पैसे देने थे, ऐसा ही है ना? कंसिडरेशन में उन्होंने पैसे देने थे, लेकिन वो कह रहे हैं आप पैसे नहीं, आप जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 5-story शॉपिंग मॉल जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप ऐसा करें उसमें 5th floor आप ले लें। नहीं, उसमें आप जो है वो अपना बिजनेस करें, जो भी आपने काम करना है, यानी आपको वो एज अ कंसिडरेशन के तौर पे वो दे देते हैं। बस इतनी सी बात थी, पहले वो लिखता तो समझ आ जाती जल्दी, जो आप कह रहे थे कि नहीं समझ आया। ये ऊपर वाली स्टोरी महल स्टोरी नहीं है, इधर से भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। Under the provision of the Companies Act 2017, discuss the condition that must be complied with in order to execute the above transaction. कौन सी condition है? मुझे तो लग रहा है ये non-cash transaction है। Non-cash transaction में हम क्या करते हैं? Non-cash transaction में हम उनसे is the consideration जो है वो कोई property लेते हैं। Property means कि हम उनसे cash नहीं लेते, कोई भी चीज़ extra ले सकते हैं, is against consideration। तो क्या हम ले सकते हैं नॉन कंसिडरेशन, नॉन कैश का ट्रांजैक्शन? हो सकती है। उसके लिए क्या रेजोल्यूशन की या किसी अप्रूवल की जरूरत है? होती है जरूरत। क्या कंपनी के स्टेटस को भी हमने देखना है कि किस केस में कंपनी के किस स्टेटस में अप्रूवल की जरूरत है, अगर वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है या लिमिटेड है? बताएं नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी, जितनी अप्रूव हुई थी उस किसी, इस पर डिपेंड करता है, जितनी होनी चाहिए जी। प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम, जनरल मीटिंग में किसी भी किस्म की एवरी टाइप ऑफ कंपनी अगर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कोई करती है तो उसके लिए पहले जनरल मीटिंग में उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, उससे पहले अप्रूवल लेनी चाहिए, अदरवाइज वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं कर सकती कोई कंपनी जी। जी ये डायरेक्टर वाला चैप्टर नहीं है। अगला, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स थी इसकी? हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी साथ अटैच करनी है एंड अटैच नोटिस, हाँ एग्जैक्टली विद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। अरे क्योंकि उसको बताना भी तो है ना, अब ऐसे तो नहीं कि हम खुद जाएं उसे कहें भाई ये जो 5th floor है इसकी कीमत 2 लाख ही होगी, अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़ की है। एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से इसकी वैल्यूएशन करवाएंगे
उसके इज अगेंस्ट कंसिडरेशन उतने ही हार रखनी है हमने जितने वो वैल्यूअर बताएगा हमें कि इसकी इतनी कीमत है। और कुछ लिखना है चार नंबर के लिए? होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की भी रिक्वायरमेंट थी। तो होल्डिंग कंपनी का जो मैं यहां पे कह रहा था ना कि बीएल और ओएल के भी डायरेक्टर है, तो ओएल में भी वो डायरेक्टर है, तो होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? जो होल्डिंग कंपनी के मेंबर है ना, तो उसके हम देखेंगे कि उसके कितने परसेंट वो क्या होल्डिंग बन रही है, पहले वो देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? नहीं, वो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो 125 प्लस 130 प्लस 245। इसको करते हैं, इसकी अरेंजमेंट सही कह रहे हैं, इधर ही इसको नहीं, इधर है ना लिखा हुआ, तो हम इसके साथ वो रेफरेंसेस भी करेंगे। होल्डिंग कंपनी के लिए कितने परसेंट शेयर्स हमें चाहिए होल्डिंग के लिए? 50%। ठीक है, ये टीएल जो है वो सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओएल की, एंड एमएल हैव सब्सक्राइब्ड 125, 130 एंड 245 शेयर्स, 125 मिलियन शेयर्स हैं, और टोटली आदमी शेयर जो है वो 500 है। ठीक है, ये तो हमें पता, ये इधर से आर एस 10 ईच, यानी 500 और 10 करेंगे तो ये 50 मिलियन आ जाएगा। ना भी करें तो डायरेक्टली 500 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 125 प्लस 130 करेंगे 255 और 500, 255 और 500 मैं बताता हूँ, 51%, ये लिखा हुआ है ऑफ बीएल रिस्पेक्टिवली, ये शेयर्स ऑफ बीएल है, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बीएल, ये 500 मिलियन शेयर्स किसके हैं? बीएल के हैं, इसने इशू किए हैं, एंड पेड अप शेयर कैपिटल उसमें 125, इसी तरफ जाते नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ें, 125 प्लस 135 टोटल कितने हैं? 255 और टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स 51%, तो क्या ये 51% के साथ इसकी होल्डिंग कंपनी की बनी? 10 ये बस है शेयर्स निकालने के लिए, ऑर्डिनरी शेयर्स का अगर वो देता, हाँ इसने जो है वो ठीक है सही कह रहे, इसने शेयर्स दिए हैं, इसने शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ। अच्छा, ये समझ नहीं आएगा आपको भी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी बन गई, अब होल्डिंग कंपनी की भी रिक्वायरमेंट उस पर लगेगी, तो वो बताएं क्या होगा, ये भाई बता देंगे होल्डिंग कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इसमें। होल्डिंग कंपनी भी है ना, तो क्या इससे हमने अप्रूवल नहीं लेनी? अब डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना अब यहाँ पे, तो जनरल मीटिंग में इनसे अप्रूवल लेने, इसके भी अप्रूवल लेने उनसे, नहीं यही समझ, उनसे भी हम अप्रूवल लेंगे कि भाई 51% शेयर है हमारे पास, तो अब अगर आप ये करने जा रहे हैं तो फिर ऐसा करें कि जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो भी कंपनी है, वो भी इसको 51% होल्ड रही है, होल्ड कर रही है, तो उससे भी अप्रूवल ले लें, अगर वो राजी हैं तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अगर वो 50% से कम है तो फिर नहीं। ओके डन, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ही एंड है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 डिस्कस द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नहीं पढ़ा, भूल गए, काफी पहले क्या पढ़ा, पिछले सेशन में पढ़ा था आपने नहीं पढ़ा तो होगा, कहीं तो पढ़ा होगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन कंपनी भाई, नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछी मैंने ना, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन इसको सिलेक्ट करेगा,
इसकी सिलेक्शन कैसे होगी? मेरा ख्याल तो ये है कि कोई एक बोर्ड है जिसको कमीशन ने अप्रूवल देनी है। हाँ जी, वो एक डेटा बैंक मेंटेन करेंगे, उसका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ, सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनके नाम जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो क्या होगा, डेटा डेटा बेस कहाँ पर मेंटेन करेंगे? एससीसीपी की वेबसाइट पे नहीं है, वेबसाइट भी स्पेशल नहीं बनाई उन्होंने, कोई इदारा ऐसे बनाया जो वो इदारा जो है वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगी करेगा, कोई कंपनी नहीं बनाई, एक इदारा है जिन्होंने ये डेटा बेस मेंटेन करना है और उन्होंने इसको जो है वो फिर सिलेक्ट करना है। लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन, सॉरी बी, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नहीं, सेम एज डायरेक्टर नहीं है मेरा भाई, 5 ईयर क्वालिफिकेशन है, हायर एजुकेशन, 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 ईयर्स या 12 मंथ्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हुज नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन, किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कि जो उसने नाम और अपना डाटा दिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी ठीक है, बस दो दो नंबर के लिए, दो दो लाइनों में हमने ये लिखा था, ये एक सवाल में उसने कंप्लीट पूछा, कंप्लीट कंसेप्ट एक ही सवाल में, उसके सिलेक्शन, मैनर ऑफ सिलेक्शन भी, क्राइटेरिया भी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल कंसिडरिंग, जी ड्यू डिलीजेंस के साथ लिस्टेड कंपनी ने काम करना है उसके, उनके अपॉइंटमेंट और उन्हें क्या करना है, सिलेक्शन और इलेक्शन अलग चीज़ है, सिलेक्शन डायरेक्टली वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शन बाय वोटिंग होती है। जी डेटा बैंक वाला लिखा था दो नंबर, और उसकी अंडरटेकिंग वो वाला पॉइंट भी इसमें लिखना था, यानी ये रिप्रोडक्शन का सवाल है कंप्लीट, उसने पूरा कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इसमें पूछा है। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? आपने सवाल पढ़ा होगा तो फिर कंफ्यूजन दूर हो गई होगी ना? नहीं नहीं, उसने सब पार्ट दिए हुए, 1 2 3 सब पार्ट उसने दिए हुए, ठीक है, पढ़ना भी होता है, सर ने साथ ये भी कहा था कि इसको रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ना है, हमने रिक्वायरमेंट से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ये रिप्रोडक्शन का सवाल है या फिर केस स्टडी है। ओके, नहीं कल इसका क्लास नहीं है, ठीक है जी, फिर अपने डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।